नमस्ते भैया, सुनील भैया नमस्ते, सभी को नमस्ते। सभी का मॉर्निंग हिंदी सेशन में स्वागत है। भैया ओवर टू यू। जी, तो कल हम लोगों ने स्टेप सेवन का ये असाइनमेंट लिया था। स्टेप सेवन के साथ अब हम अभ्यास एक को कंक्लूड कर रहे हैं, पूरा कर रहे हैं। तो आपने देखा कि अभ्यास एक में हमने अपने भाव के प्रति सजग होना, भाव का मूल्यांकन करना, भाव के निर्णय के आधार को देखना और फिर उसमें परिमार्जन करना, ये काम किया है। और ये एक अनवरत चलने वाला काम है, इस पे हमको सतत रूप से कार्य करते रहना है। एसेंशियली देखें तो हम ब्लॉक B1 में यानी चिंतन बोध अनुभव में जागृत होना चाहते हैं और उसके लिए ये तैयारी है। तो हमको स्पष्ट हो जाए कि चिंतन की, बोध की, अनुभव की आवश्यकता है, फिर इसके लिए हम सजग हो जाए, ध्यान दें, है ना, उसका अभ्यास करें ताकि हमारे अंदर ये क्रियाएं जागृत हो जाएं। इसके लिए ही हम लोगों ने स्टेप वन में अपनी कल्पनाशीलता के प्रति और मुख्य रूप से अपने भाव के प्रति सजग होने का अभ्यास किया। स्टेप टू में हमने इस बात का मूल्यांकन किया कि मेरा भाव मुझे सहज रूप से स्वीकार है कि नहीं। स्टेप थ्री में हमने उसके साथ अपनी स्थिति को देखा, सुखद है या दुखद है। स्टेप फोर में हमने देखा कि इस भाव का निर्णय कौन ले रहा है, तो अपनी जांच परख से हम इस निष्कर्ष पे पहुंच पाए कि निर्णय तो मैं ही ले रहा हूँ। इससे दो महत्वपूर्ण उपलब्धियां हूँ, तो अपने को दिखता है कि यदि भाव के साथ मेरी स्थिति सुखद नहीं है तो मुझे अपनी योग्यता को बढ़ाना है, और दूसरा, जब निर्णय मैं ले रहा हूँ तो दूसरों के प्रति शिकायत से मैं मुक्त होता हूँ। स्टेप फाइव में फिर हमने अपने निर्णय के आधार को देखा, समझ है कि मान्यता है। इसी क्रम में हमने अपनी गहरी मान्यताओं को, अपने संस्कारों को देखने का अभ्यास किया और उस पर यह भी बात हुई, उसकी एक सूची बनाते चले। आज जितना दिखा है कल उससे अधिक दिखेगा, परसों से और अधिक दिखेगा, तो वह संस्कार अगर हमें पकड़ में आ जाए ना, तो फिर हम उस पर बारीकी से काम कर सकते हैं। स्टेप सिक्स ए में हमने अपने आप से पूछा कि मुझे कौन सा भाव सहज रूप से स्वीकार होता है, संबंध का या विरोध का, व्यवस्था का या व्यवस्था का, अस्तित्व का या संघर्ष का। तो निष्कर्ष निकला कि संबंध का, व्यवस्था का, अस्तित्व का भाव सहज रूप से स्वीकार होता है। उसमें भी ये बात हुई कि ओवरऑल एक स्टेटमेंट तो हम दे देते हैं, ये तीन शब्दों को एक सुर में रख देते हैं, परंतु जब किसी स्थिति में हम दुखद स्थिति में फंस गए हैं, कहीं विरोध बन रहा है, उस समय भी क्या हम ये बात ध्यान रहती है, क्या हम अपने आप से पूछ पाते हैं? तो ये भी एक काम है जो अपने को करने लायक है। अगर हम ये अपने एक अभ्यास में ले आए कि जब भी कहीं विरोध का भाव बन रहा है, संघर्ष का भाव बन रहा है, अव्यवस्था का भाव बन रहा है, तो हम अपने आप से पूछे तो पहले स्वीकार क्या होता है, आप पाएंगे जितनी देर आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देगा कि विरोध नहीं, संबंध ही स्वीकार होता है, उतनी देर तक आप पाएंगे विरोध के भाव का जो प्रभाव है ना, वो काफी कम हो जाएगा या नहीं रहेगा। फिर इससे 6B में हम इस निष्कर्ष से पहुंचे कि जब ये स्वीकार है तो मुझे संबंध के चिंतन की, व्यवस्था के बोध की और सहस्तित्व के अनुभव की आवश्यकता है। फिर स्टेप 7A में हम ये कह रहे हैं कि इसको अपने आप सुनिश्चित करें, इस क्षण मेरे में संबंध का भाव है, व्यवस्था का भाव है, सहस्तित्व का भाव है, इस क्षण तो सुनिश्चित करूं। उसमें किसी एक को ले लें, हम संबंध के भाव को ले लें, संबंध में किसी एक भाव को ले लें और सुनिश्चित करें कि ये मेरे अंदर है ना। फिर एक क्षण से बढ़ते बढ़ते हर क्षण पे जाए। फिर आगे करने का काम यह है कि हमारा पूरा जीना इसी आधार पर हो, हमारा हर निर्णय इसी आधार पर हो। इस क्रम में हमने कल असाइनमेंट लिया था कि अपने भाव के प्रति सजग हो जाएं, देखें कि इस क्षण जो भाव है वो सहज है या असहज, सुखद या दुखद, इस भाव का निर्णय कौन ले रहा है, इसका आधार क्या है। अगर भाव असहज है तो समझ पर आधारित नहीं है। अपने आप से पूछकर देखें क्या इस क्षण अपने अंदर संबंध का भाव सुनिश्चित कर सकता हूँ, व्यवस्था का भाव सुनिश्चित कर सकता हूँ। तो अपने भाव में सजग होना है और देखना है कि इस क्षण जो भाव है वो सहज है या सहज, सुखद है या दुखद, इस भाव का निर्णय कौन ले रहा है, इसका आधार क्या है। अगर भाव असहज है तो समझ पर आधारित नहीं है। फिर अपने आप से पूछकर देखना है क्या मैं इस क्षण अपने अंदर संबंध का भाव सुनिश्चित कर सकता हूँ, व्यवस्था का भाव सुनिश्चित कर सकता हूँ, सहस्तित्व का भाव सुनिश्चित कर सकता हूँ। आप देख सकते हैं कि जब आपके अंदर संबंध, व्यवस्था और सहस्तित्व का भाव होता है तो आप आराम में होते हैं, आपकी स्थिति सुखद होती है। यदि आप इस क्षण अपने अंदर संबंध, व्यवस्था और सहस्तित्व का भाव सुनिश्चित कर सकते हैं तो आप अपने अंदर हर क्षण ये भाव सुनिश्चित कर सकते हैं, हर क्षण आराम में रह सकते हैं।
इस बात को अपने आप को ऑब्जर्व करना था। इसको लेकर यदि किन्हीं का कोई प्रश्न हो तो हैंड रेज कर सकते हैं। कल दिन भर जो आपने अभ्यास किया। नमस्कार भैया जी। नमस्ते भैया, मेरा एक क्वेश्चन है। अभी तक की जो मेरी स्थिति है, जैसे मुझे पता है कि राइट अंडरस्टैंडिंग क्या है, और मेरे मुझे भी मालूम है कि मुझे ये पूरी पकड़ में नहीं आया है, क्योंकि जो मेरे डीप संस्कार है वो मेरे को, मेरे जो फीलिंग है उनको ड्राइव कर रहे हैं। और मुझे ये भी पता है कि नेचुरल एक्सेप्टेंस हमेशा मेरे साथ है, बट मैं उसको रेफर नहीं कर पा रही हूँ कभी कभी, बिकॉज ऑफ जो मेरी जो डीप गहरी मान्यताएं हैं उनके अकॉर्डिंग। तो मुझे इस पे काम करना है, ये भी मुझे मालूम है, पर होता क्या है भैया कि जब कभी भी ऐसे हॉट मोमेंट्स आ जाते हैं, तो उस समय भी अगर एक मोमेंट के लिए भी मैंने अगर नेचुरल एक्सेप्टेंस को रेफर किया, तो मेरी वो स्थिति नहीं होती कि मैं नेचुरल एक्सेप्टेंस में जो मुझे पता है वो मैं उसको फॉलो कर पाऊँ, और फिर वो डीप अजम्पशंस जो मेरे अंदर बैठे हुए हैं वो उसको ओवरटेक कर जाते हैं, और फिर वो फीलिंग ऑफ अपोजिशन और अनकंफर्टेबल स्टार्ट हो जाता है, मेरे बिहेवियर में भी चेंज आने लग जाते हैं। लेकिन फिर वही स्थिति जब बाद में आती है, बाद में व्हेन आई एम काम, तो मैं ये देख सकती हूँ कि नेचुरल एक्सेप्टेंस क्लियरली देख सकती हूँ, और फिर अपने अपने लिए एक राइट करेक्टिव मेजर्स भी लेती हूँ जो मुझे खुद को कंफर्टेबल करते हैं, और मुझे ये भी मालूम है कि ऐसा ही करने से मेरी योग्यता बढ़ेगी। पर भैया ये जो अजम्पशन वाला पार्ट आ रहा है ना, ये आपने कहा सूची बना लो, मैंने सूची भी बना ली, और उसमें और बहुत सारी चीजें एड ऑन भी होती जा रही है, पर हर बार मैं देख रही हूँ कि फसावट वही आ जाती है कि नेचुरल एक्सेप्टेंस पे क्यों, मतलब मैं फिसल क्यों जा रही हूँ वहां से, ये वाला चीज मुझे पूछते हैं वहां से, आंसर भी आता है कि जैसे डायलॉग चलता है तो उससे ये भी लगता है कि नहीं, फीलिंग ऑफ रिलेशनशिप ही मानी रहती है, पर सेकंड मोमेंट जैसे क्योंकि सामने वाला या सामने वाली स्थिति तो मेरे उसमें है नहीं, कंट्रोल में है नहीं, सडनली फिर कुछ और हो गया, तो फिर और फिर हम अपनी मान्यता पे आ जाते हैं कि नहीं जी जी। तो पहले बार में तो आपने मान लीजिए थोड़ा प्रयास करो उसको देखा भी, दूसरी बार में फिर वो प्रयास की जरूरत बनी हमने नहीं देखा, तो अभी ये हो रहा है कि जितनी देर तक दिखाई देगा कि संबंध का भाव ही सर्व से स्वीकार है, उतनी देर तक हम विरोध के अर्थ में विचार नहीं करेंगे। फिर वो होता यह है कि फिर वो पूछना हम बंद कर देते हैं अपने आप से, या फिर हमको संबंध स्पष्ट नहीं होता, तो आपको ऐसा हो सकता है कि आप अपने आप से पूछें कि संबंध का भाव या विरोध का भाव, और आपने सुन रखा है कि संबंध का भाव की स्वीकार होता है, तो आपने मान भी लिया कि संबंध का भाव, फिर आपको अंदर ये प्रश्न बनता है कि संबंध का मतलब क्या है, ये व्यक्ति अगर हमारे साथ ऐसे व्यवहार कर रहा है तो क्या हम सब सुनते रहें सहते रहें, और ऐसे विचार चलने लगते हैं, यानी संबंध के भाव का अर्थ भी क्या हुआ यह स्पष्ट नहीं हुआ। तो उसको समझेंगे फिर कि संबंध के भाव का अर्थ तो ये हुआ कि मेरा भी स्वयं का विकास हो, दूसरे भी स्वयं का विकास हो, आपकी भी अपनी एक मान्यता है ना, इसको हो सकता है जस्टिफाई कर रही है। जी नहीं, मैं मान रही हूँ कि मेरी मान्यता है, पर वो जाएगी कैसे, क्योंकि सूची तो मेरी बढ़ती चली जा रही है। हाँ ठीक है ना जी, ठीक बात है। तो ये अगर मान्यता है अपने को पता लग रहा है, तो यहाँ पे सही क्या है, फिर हम सहज स्वीकृति को देखेंगे फिर अपने आप को, तो कोई मुझे डायरेक्ट न करे तो क्या करे, हम क्या चाहते हैं, और मुझे जो ठीक लग रहा है मैं करूँ, और वो दूसरे को ठीक लग रहा है दूसरा क्या करे, चाहते क्या हम, दूसरा क्या चाहता है, ये सारी चीजें बाद में आती हैं, बाद में ये सब रियलाइज होता है, और फिर चीजों को मतलब करेक्टिव मेजर्स लेने के लिए भी मैं उस स्थिति में आ जाती हूँ, पर उस पर्टिकुलर मोमेंट में नहीं पकड़ में आता। जी इसलिए नहीं आता क्योंकि अभी सजगता थोड़ी कम है, तो एक स्थिति होती है कि हम पूरे समय बेहोशी में रहते हैं, ऐसे जी रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं, कुछ अता पता नहीं है। एक दूसरी स्थिति है कि थोड़ा बहुत पता लगता है, और कई बार बाद में जाकर पता लगता है, या तो उस क्षण थोड़ा पता लगा या फिर बाद में पता लगा, तो एक अच्छी स्थिति बनी, पहले से बेहतर स्थिति बनी है ना। हाँ, अब इसको बढ़ाने की जरूरत नहीं,
हमको पहले से पता होता है कि मेरी स्थिति अभी सहज नहीं है, इस क्षण जो भी मुझसे व्यवहार करेगा या अन्यथा कुछ कहेगा है ना, मैं परेशान होऊंगा ही या होंगी ही, ठीक है ना। और उसके साथ फिर हम अपने ऊपर काम कर रहे होते हैं, फिर कोई जब सिचुएशन आता है तो हम उसको फिर इसी सजगता के साथ ऑब्जर्व करते हैं। उसके आगे की स्थिति ये बनती है कि हमारी स्थिति सुखद रहती है संबंध और व्यवस्था और अस्तित्व के भाव के साथ। परंतु ये जो संक्रमण की स्थिति है, जो ट्रांजिशन स्टेट है, इसमें तो फिर अपने को थोड़ा सजगता को बनाए रखना होगा, अपने ऊपर काम करना होगा जी। तो उसको ही और बारीकी से देखें, ये जो बात हो रही ना कि किसी पॉइंट पर चला जाता है, होश नहीं रहता उसका, फिर तो ये होश को बनाना चाहिए। क्योंकि देखिए अल्टीमेटली इससे हुआ क्या, घटना तो आधे मिनट की हुई, किसी ने आपको डायरेक्ट किया, ठीक, पर उसका रिएक्शन तो अपने अंदर कहिए महीने भर चले, 15 दिन तक चले। अब तो भैया रिएक्शन थोड़ा कम हो गया, अब रिएक्शन शायद 1-2 घंटे के लिए ही होता है, फिर वो नॉर्मल स्थिति में आ जाने जाते हैं कि सही क्या है। बढ़िया दीदी, अच्छी बात है, पहले जो बेहोशी में था से कम होके फिर 15 दिन तक रहा रिएक्शन, उससे और कम होके आप कहिए 1 घंटा हो गया, फिर 15 मिनट हो जाता है, फिर रहता ही नहीं है, तो ये तो एक अच्छी बात है, एक संक्रमण की स्थिति दिखाई दे रही है जी। ठीक है भैया, मतलब उम्मीद है कि फिर वो भी पकड़ में आएगा ही, उसी मोमेंट पकड़ में आएगा। बिल्कुल, आप ही का निर्णय है, उस निर्णय का आधार को हम देख ले, है ना, क्योंकि जैसे जो मुझे ठीक लग रहा है मैं करूँ, ये एक बड़ी सम्मान्यता है। तो ठीक क्या लग रहा है ये तो हम देखेंगे समझेंगे कि ठीक क्या लग रहा है। तो अभ्यास एक में अगर पूरी बात को समाप्त करें तो स्वयं के द्वारा स्वयं को देखना है हर क्षण, तो सजग रहें, इस क्षण अपने में चल रही कल्पनाशीलता को देखें, अपनी इच्छा अर्थात भाव विचार और आशा को देखें बिना कोई प्रतिक्रिया की। इस क्षण आप में जो भाव है वो आपको सहज स्वीकार है या नहीं, इस क्षण आप में जो भाव विचार चल रहा है उस भाव के साथ आप आराम में है, संगीत में है, सुखी है, इस क्षण आप में जो भाव विचार चल रहा है उसका निर्णय कौन ले रहा है, बाहर की परिस्थिति, कोई दूसरा व्यक्ति, आप स्वयं, इस क्षण आप में जो भाव विचार चल रहा है उसका निर्णय आपने किस आधार पर लिया है, किसी मान्यता के आधार पर या सही समझ के आधार पर। फिर स्टेप 6 ये में पूछ रहे हैं है ना कि आपको कौन सा भाव सहज स्वीकार है। स्टेप 6A में जी ये अपने आप से पूछ रहे हैं कि कौन सा भाव आपको सहज स्वीकार है, संबंध का भाव या विरोध का भाव, व्यवस्था का भाव या अव्यवस्था का भाव, सहस्तित्व का भाव या संघर्ष का भाव। और 6B में हम संबंध व्यवस्था सहस्तित्व को संपूर्णता में समझने का काम करते हैं, पूरी प्रकृति और अस्तित्व के संदर्भ में। इसका अर्थ ये हुआ कि हम अपने आप में चिंतन बोध अनुभव को जागृत करने का निर्णय कर पाते। फिर स्टेप 7A में ये कह रहे हैं कि सुनिश्चित करें कि क्षण आपका भाव संबंध का है, व्यवस्था का है, सहस्तित्व का है, न कि अन्यथा। इस आधार पर मैं इस क्षण संगीत में रहता हूँ, सुखी रहता हूँ। फिर 7B में ये कह रहे हैं कि जब मैं संबंध व्यवस्था और संस्कृति को संपूर्णता में समझता हूँ तब मैं उसी के अनुरूप अपने भाव विचार का निर्णय करता हूँ और निरंतर आराम में रहता हूँ, संगीत में रहता हूँ, सुखी रहता हूँ। तो 7B का तो मतलब ये हो गया कि हमारे अंदर ज्ञान की पूर्णता हुई और उसके साथ मेरी स्थिति निरंतर सुखी बनी हुई है, उसके पहले की ये सारी तैयारी कर रहे हैं। तो बढ़िया, इन 7 स्टेप्स को अब एक साथ देखना है और अपने आप में अभ्यास करना है। अभी हम लोग 10 मिनट का समय ले लेते हैं अपने आप में ऑब्जर्व करने के लिए और फिर इसको हम लोग आगे चर्चा करेंगे जी। भैया ऑब्जर्वेशन का स्लाइड लगा दीजिए जी, अभी 10 मिनट ऑब्जर्व कर लेते हैं। इन 7 स्टेप्स को एक साथ जोड़ के अब देखना है, उसमें भी हड़बड़ी नहीं करनी है, हो सकता है पहले स्टेप पे ही रुक जाए, उसी कर ले, पहला स्टेप पार हो गया दूसरे पे जाए, तीसरे पे जाए।
जी बढ़िया। अब हमें सातों स्टेप्स को एक साथ देखना है अपने आप में, तो अब हमें अपने आप में अभ्यास को बनाए रखना है। ये अभ्यास एक तो अब पूरा हो जाएगा, परंतु इस भाव के प्रति सजग होना, उसका मूल्यांकन करना और उसमें परिमार्जन करना, ये अपने आप में चलने वाला काम है। अभी इस पे हमको बहुत सारा काम करना शेष हो सकता है। बहुत सारी मान्यताएं संस्कार रूप में गहरे में दबी हुई हो सकती है, जिसका अभी निर्जरा करना शेष है। तो ये काम अपने आप में हम करते रहें, इस अभ्यास को बनाए रखें। जी, तो अल्टीमेटली देखें तो 7B में ये बात हो रही है कि मेरे अंदर सही समझ सही भाव सुनिश्चित हो जाए, जिसके साथ मैं हर क्षण उसी अर्थ में निर्णय लेता हूं। स्थिति में पहुंचना है, उसके पहले की सब तैयारी है। तो ये 7B में जो बात कही जा रही है, जो स्थिति में पहुंचना है, उसका एक तरीका है ये, बट इसके साथ जीने में और बहुत सारी चीजें जुड़ेंगी। तो हमने भाव के प्रति सजग होकर उसमें परिमार्जन करने के लिए अभ्यास किया यहाँ पे। परंतु जब हम जीने जाते हैं, तो फिर हम जो भागीदारी करते हैं संबंध में, व्यवस्था में, अस्तित्व में, वो इससे कनेक्ट होता है। तो उस भागीदारी को बनाए रखते हुए ही ये 7A और 7B पूरा हो पाता है। उसके साथ फिर हम 1-6 करते रहेंगे, है ना। क्योंकि संबंध शब्द से संबंध का चिंतन हो जाएगा ऐसा नहीं है, उसके अर्थ में जाना होगा, उसमें जीना होगा। एक एक संबंध को उभय सुख के अर्थ में जीने की आवश्यकता है, तब जाकर ये संबंध हमें चिंतन में आता है। व्यवस्था को जीने की जरूरत होती है, तब जाकर हम व्यवस्था का बोध सुनिश्चित कर पाते हैं। तो उसके पहले जो करने काम है जीने का, है ना, वो तो काफी फैला हुआ है। तो इसके साथ हमें अपने आप में सजगता को बनाए रखना है, जांच परख करके रहना है और फैल के जीना है। कल जो बात हो रही थी कि जितना हम फैल के जीते हैं, भागीदारी से आगे बढ़ के जितनी जिम्मेदारी स्वीकार लेते हैं, उतना हम प्रतिबद्ध हो जाते हैं अपने प्रति सजग होने का। फिर हम बेहोशी में नहीं चल सकते। एक बार हमने कोई जिम्मेदारी स्वीकार ली, फिर हम बेहोशी में नहीं चल सकते, फिर हमारे अंदर एक निष्ठा तैयार हो जाती है, प्रतिबद्धता बन जाती है। तो संबंध एक शब्द है, परंतु इसमें उतरने के लिए, इसके चिंतन के लिए अभी हम सबको बहुत सारा काम शेष है, उसको करना बाकी है ना, उसको पूरा करना है। अच्छी बात यह है कि जितना जितना हम इसको पूरा कर ले जाते हैं, हम सुखी होते हैं, हमको आराम मिलता है, इसलिए कोई बोझ नहीं है, कोई लायबिलिटी नहीं है, ठीक है ना। इनफैक्ट जैसे जैसे हमारे अंदर सही भाव सुनिश्चित होने शुरू होते हैं ना, उसका जो सुख मिलता है, ये जो बाहर से मिलने वाला भाव था, उसका सुख बहुत फीका पड़ जाता है, उसकी आशा ड्रॉप हो जाती है। वैसे ही जैसे ही हमें स्वयं में सुख का स्रोत दिखाई देता है, जो संवेदना से मिलने वाला सुख है, वो फीका पड़ जाता है, उसका जो दबाव है वो चला जाता है, फिर हम उसका सदुपयोग करते हैं। तो जब दूसरे से कोई भाव मिलता है, तो उस भाव के साथ हम दूसरे व्यक्ति की योग्यता का आकलन करते हैं। अगर हम अपनी श्रेष्ठता को स्वयं में देख पा रहे हैं, तो और दूसरी प्रशंसा कर रहा है, हमको दिखता है कि हाँ, ये व्यक्ति है जो श्रेष्ठता को पहचान पा रहा है, तो इनके साथ काम हो सकता है। कोई निंदा कर रहा है, तो हम फिर वो भी यहाँ देख पाते हैं कि हाँ, ये व्यक्ति श्रेष्ठता को नहीं देख पा रहा। तो दूसरे की प्रशंसा या निंदा से प्रभावित होने के बजाय, उससे हम दूसरे की योग्यता का आकलन करते हैं, उसमें अपनी पूरकता को देख पाते हैं। वैसे ही शरीर से मिलने वाली संवेदना से सुख पाने के बजाय, उसके साथ हम शरीर की स्थिति का आकलन कर पाते हैं और जो सुविधा का प्रयोग करना है उसको तय कर पाते हैं। ये बिल्कुल है ना बदल गया। पहले जहां कुछ बाहर से लेकर खींचकर अपने में जोड़कर हम किसी तरह से अपने आप को कंफर्टेबल बनाए में लगे हुए थे, अब हम अपने आप में कंफर्टेबल हैं और उसके साथ बाहर का मूल्यांकन कर रहे हैं, उसके साथ भागीदारी कर रहे हैं। ये स्थिति है जो वांछनीय है, इसमें हम सबको पहुंचना है। अच्छी बात है कि जो लोग सुबह के सत्र से लगातार जुड़े हुए, इस बात को सुनते रहे हैं, अपने आप में जांच परख कर रहे हैं, वो इसमें अपनी गति को भी देख पा रहे हैं। तो पहले जितने प्रश्न आते थे भाव के प्रति सजग होने को लेकर ही, अगर बैच 6 में देखें, बैच 5 में देखें, तो जितने प्रश्न आए थे उससे बहुत कम प्रश्न आए। इसका मतलब हमारी सजगता बढ़ गई है, बहुत अच्छी बात है। पहले देखने जाते थे तो कई ऐसे प्रश्न आएंगे कि कोई भाव तो दिख ही नहीं रहा, या खाली विचार ही दिख रहा है, वैसे प्रश्न नहीं आ रहे थे। यानी हमारी सजगता बढ़ गई है। तो अपने भाव के प्रति सजग होना और वहां पे पूछ पाना कि सहज रूप से क्या स्वीकार है,
ये भाव या कोई और भाव, और फिर जो सहज रूप से स्वीकार है उसको अपने आप में सुनिश्चित करना, इतना ही काम है, कुल मिला के इतना ही काम है। बट कई बार हमें तो भाव नहीं दिखता, भाव दिखता है तो सहज स्वीकृति नहीं दिखती, सहज स्वीकृति दिखती है तो उसका अर्थ में निर्णय नहीं हो पाता, क्योंकि अभी हमने समझा नहीं तो बहुत सारी शंकाएं रहती हैं। जी भैया, इसमें भैया मैं तो देख पा रही हूँ बहुत अच्छे से, मेरा सजगता इतनी बढ़ गई भैया। और जो चीज अभी आप बोल रहे हैं कि किसी की प्रभाव में, किसी की कोई चीज में, मतलब हर चीज को बहुत क्लैरिटी से देख पा रही हूँ और उसको मैं समझ भी पा रही हूँ। और सजगता तो इतनी ज्यादा बढ़ गई कि हर एक, मतलब जैसे कि एक चीज में बन के रह रही हूँ कि मुझे नहीं, तो मुझे इतना ही रखना था भैया, थैंक यू। बढ़िया बढ़िया दीदी जी। तालवेका जी का प्रश्न है कि संस्थान से मोर की आवाज आ रही है, बिल्कुल संस्थान में हूँ आज मैं, तो यहीं से मोर की आवाज जा रही है। बढ़िया, तो जी जी सर, इस ये जो परिस्थिति चल रही है, गुड मॉर्निंग सर, मेरे हस्बैंड कह रहे हैं मेरी तरफ से भी गुड मॉर्निंग करते थे। जी जी बिल्कुल, नमस्ते भैया। और सर इसमें, इस अवस्था में मैं अपने आप को बहुत व्यस्त पा रही हूँ, और व्यस्तता में वो हार्मनी, क्या यही हार्मनी है और इसी से हैप्पीनेस है, जो कि एक स्टेप बाय स्टेप मैं अपने आप को देख पा रही हूँ, तो इसमें जो हार्मनी है क्या ये व्यवस्था का ही कारण है क्या सर? ये आपको ही देखना होगा कि स्थिति में हार्मनी है कि नहीं, आपकी स्वयं की जो स्थिति बन रही है, और व्यस्त हो रही है इसका मतलब यदि आप हर क्षण ध्यान दे रही है तो बहुत अच्छी बात है, हमको चलते फिरते उठते बैठते, अब मैं कहूंगा उसमें और बारीकी लाई जाए, तो कई बार हम एक सतह पे देखकर कह देते हैं कि हाँ दिख रहा है, क्या दिख रहा है उसको भी और स्पष्ट रूप से देखें, स्टेप वन को भी हम और गहराई में ले जाएं, भाव दिख रहा है तो क्या दिख रहा है भाव में उसको और ठीक से देखें, और ठीक से देखें, है ना। और यदि हमको अपनी सह स्वीकृति पे ध्यान जाने लगा है तो उसी क्षण हम उसमें परिमार्जन के लिए काम करने लगते हैं, बाकी सारे स्टेप्स खटाखट पूरे होते हैं उसमें, है ना। सर परिमार्जन में जरा थोड़ा सा अगर और क्लैरिटी हो जाए तो। परिमार्जन का मतलब कि जो भी भाव है उसको रिप्लेस करके ऐसा भाव सुनिश्चित हुआ जो सहज रूप से स्वीकार है, तो विरोध का भाव था वो रिप्लेस हो गया संबंध के भाव से, अव्यवस्था का भाव था रिप्लेस हो गया व्यवस्था के भाव से, शोषण का भाव था रिप्लेस हो गया पोषण के भाव से, संघर्ष का भाव था रिप्लेस हो गया सहस्तित्व के भाव से, ये परिमार्जन हुआ। और रिप्लेस होने का मतलब फॉरएवर, हमेशा के लिए। ये जो हाँ, ये जो कोएग्जिस्टेंस है नेचुरल एक्सेप्टेंस के साथ, ये हमारी फॉरएवर के लिए प्रिपेयर होगी। पर सर ये तो अभी अभ्यास करने पर, अभी तो अभ्यास शुरू है। जी जी, निरंतरता काम है, लंबा काम है, है ना। अगर पूरी ज्ञान परंपरा को देखें तो लोगों ने इसमें अपना पूरा शरीर लगा दिया है, पूरे जीवन लगा दिया है, ठीक है ना, तो लंबा काम है, तो इसको हम करते चले। अभी अच्छी बात यह है कि शिक्षा विधि से हमको सहज रूप से उपलब्ध हो रही है, हमको ना तो परिवार छोड़ने की जरूरत है, ना समाज छोड़ने की जरूरत है, ना शरीर छोड़ने की जरूरत है, ठीक, बल्कि सबके साथ ठीक ठीक जीने की जरूरत है, और जीते हुए इसको अपने आप में जांचने की जरूरत है, तो है ना, बिल्कुल हो सकता है। बट हाँ, ये भी ना मान लें कि ये कोई बस हमने विचार किया और काम पूरा हो गया, नहीं, दिखने तक पहुंचने में तो अपनी गति बनाने की जरूरत है, दिखने तक पहुंचने की गति बनाना, ठीक है। ओके, धन्यवाद सर। बढ़िया दीदी, धन्यवाद सर। तो स्वयं के द्वारा स्वयं को देखने के क्रम में अभी स्थिति बन सकती है हमारे अंदर कि मैं स्वयं को यानी चैतन्य को देख रहा हूँ, मैं अपनी कल्पनाशीलता को देख रहा हूँ, उसमें अपनी इच्छा अर्थात भाव विचार आशा को देख रहा हूँ हर क्षण बिना किसी प्रतिक्रिया के, तो ये हमारे अंदर सजगता की स्थिति बनी रह सकती है कि हम हर क्षण अपने आप में देख रहे हैं कि नहीं। तो हम अपने आप सुनिश्चित करें कि मैं हर क्षण देख रहा हूं, इस क्षण मुझ में जो भाव विचार चल रहा है यह मेरे लिए सहज है या नहीं, यह मानवीय स्वभाव के अनुरूप है या नहीं, मैं इस भाव की निरंतरता को बनाए रखना चाहता हूं या नहीं,
फिर मैं इसको देखूं कि नहीं। इस क्षण मुझ में जो भाव विचार चल रहा है उस भाव के साथ मैं आराम में हूं या परेशान हूं, संगीत में हूं या अंतर विरोध में हूं, सुखी हूं या दुखी हूं, इसको अपने आप में देखें। इस क्षण और हर क्षण मुझ में जो भाव चल रहा है, विचार चल रहा है, उसका निर्णय कौन ले रहा है? बाहर की परिस्थिति या कोई दूसरा व्यक्ति इसका निर्णय लेता है, मैं स्वयं इसका निर्णय लेता हूं। तो इसमें देखेंगे कि स्टेप वन सिग्निफिकेंट है कि सजगता तो बनी रहे, बाकी ये चीज आपको ध्यान में आती जाती है, इसका आप अपने आप में आकलन करते जाते हैं। बट स्टेप वन पे थोड़ा ठहर कर विधिवत काम करने की जरूरत है ना? उसको जितना विधिवत कर पाएंगे ये आगे के स्टेप उतने पूरे होंगे। जी भैया नेक्स्ट लगा दीजिएगा। इस क्षण हर क्षण मुझमें जो भाव विचार चल रहा है उसका निर्णय मैं किस आधार पर लेता हूँ? क्या मैं इसे अपनी समझ के आधार पर तय करता हूँ? समझ के भाव में किसी अन्य मान्यता के आधार पर तय करता हूँ? तो समझ के आधार पर मैं सही भाव सही विचार के पक्ष में निर्णय ले पाता हूँ। मान्यता के आधार पर निर्णय लेने में यह निश्चित नहीं रहता कि मैं सही भाव के पक्ष में ही निर्णय लूंगा या उसके अन्यथा। तो इसमें भी एक काम ये करने के लिए है कि अपनी मान्यताओं को हम पहचाने, है ना? और बहुत सारी मान्यताएं हो जाती है, तो इकाई का स्वयं अस्तित्व क्या है उसको लेकर बहुत सारी मान्यताएं बन जाती है। मानव क्या है, ना? पेड़ पौधे क्या है, पशु पक्षी क्या है, इसको लेकर हमारी बहुत सारी मान्यताएं हो सकती है। इनके साथ मैं चाहता क्या हूँ इसको लेकर बहुत सारी मान्यताएं हो सकती है, उसको भी हम देखते हुए चले। 6A में ये प्रश्न अपने आप में पूछ के निश्चित करना है कि चाहते क्या है, संबंध का भाव या विरोध का भाव, संगीत अथवा व्यवस्था का भाव या अंतर विरोध अथवा अव्यवस्था का भाव, सहअस्तित्व का भाव या संघर्ष का भाव। तो स्टेप 7 फिर मैं सुनिश्चित करता हूँ कि मैं इस क्षण मेरा भाव संबंध व्यवस्था और सहअस्तित्व के अर्थ में न किया था। इस आधार पर मैं इस क्षण संगीत में रहता हूँ, सुखी रहता हूँ। यदि ये भाव निरंतरता में सुनिश्चित हो पाते हैं तो मैं हर क्षण संगीत में रहता हूँ, सुखी रहता हूँ, मैं निरंतर सुखी रहता हूँ। मैं ये देख पाता हूँ कि जब मैं संबंध व्यवस्था और सहअस्तित्व को संपूर्णता में समझता हूँ तब उसी के अनुरूप अपने भाव विचार का निर्णय करता हूँ और निरंतर आराम में रहता हूँ, संगीत में रहता हूँ, सुखी रहता हूँ। इसको करते चले, है ना? ये तो कंप्लीशन पॉइंट हो गया, मैंने इसलिए जो अपने अंदर तैयारी होनी है तैयारी हम करते चले। जी बढ़िया। तो इसके साथ बात पूरी होती है, बट अभी जैसा कहा कि ये स्टेप वन पे ही काफी सारा काम शेष हो सकता है ना? तो अपने आप सुनिश्चित करने का काम तो और उसके आगे काम है। बढ़िया। किन्हीं का कोई प्रश्न हो तो हैंड रेज कर लेते हैं, अगर नहीं प्रश्न है तो अभी हम आज 10 मिनट और समय लगाते हैं इसको सुनिश्चित करने में, अपने आप में सुनिश्चित करने में। तो कोई प्रश्न नहीं आ रहे, अच्छी बात है, हम सभी गंभीर हो गए, अपने ऊपर ध्यान से देख रहे हैं, काम कर रहे हैं, इसको सुनिश्चित करने का प्रयास कर रहे हैं। तो बढ़िया, 10 मिनट का समय लगाते हैं फिर से और इसको अपने आप में इन सारे स्टेप्स को देखते हैं। जी भैया एक बार फिर से ऑब्जर्वेशन का लगा दीजिएगा। अब इसको सतत रूप से ये देखना है, सुनिश्चित करना है, पहले तो यही सुनिश्चित करना कि भाव के प्रति सजगता बनी हुई है, भाव से ध्यान हटा नहीं इन 10 मिनट पे, इसको विधिवत पूरा करना है। कोई भी काम कर रहे हैं उसको छोड़कर बैठ जाए थोड़ी देर के लिए, इसको विधिवत पूरा करना है कि अपने भाव से सजगता बनी रहे। जी फिर उसके साथ आगे स्टेप्स को करेंगे।
तो निष्कर्ष रूप में फिर दिखता है कि मैं स्वयं के द्वारा स्वयं को स्वयं में चल रही कल्पनाशीलता को यानी भाव विचार को देख पा रहा हूँ। मैं स्वयं में सहज भाव यानी स्वभाव यानी मानवीय स्वभाव के अनुरूप इन भावों को देख पा रहा हूँ। मैं इन भावों को निरंतरता में बनाए रखना चाहता हूँ। इन सहज भावों के साथ मैं संगीत में आराम में रहता हूँ, सुखी रहता हूँ। मुझ में कौन सा भाव चले इसका निर्णय मैं स्वयं लेता हूँ। इस अर्थ में अपने सुख दुख के लिए मैं 100% जिम्मेदार हूँ। तो मैं दूसरे की शिकायत से मुक्त हो पाता हूँ, अपने में परिमार्जन के लिए सुधार के लिए तत्पर हो पाता हूँ। निर्णय लेने का आधार समझ है या मान्यता है। जब मैं इसको देखता हूँ तो पाता हूँ कि जब समझ के आधार पर भाव का निर्णय करते हैं तो सही यानी सहज भाव का निर्णय कर आराम में रहते हैं। जब मान्यता के आधार पर भाव का निर्णय करते हैं तो यह निश्चित नहीं रहता कि आराम में रहेंगे या परेशान रहेंगे। इसलिए अपने में समझ को सुनिश्चित करने की आवश्यकता महसूस होती है। संबंध व्यवस्था और सहस्तित्व का भाव ही मुझे सहज स्वीकार होता है। इसलिए संबंध व्यवस्था और सहस्तित्व के अर्थ में ही या उसको समझना ही मेरी मूलभूत आवश्यकता है। ये स्टेप 6 में हम निर्णय कर पाते हैं। फिर स्टेप 7 में इस क्षण निर्णय पूर्वक अपने भाव को संबंध व्यवस्था सहस्तित्व के भाव के अर्थ में मैं सुखी रहता हूँ, आराम में रहता हूँ, संगीत में रहता हूँ, है ना। हर क्षण ऐसा सुनिश्चित हो जाए इसके लिए मैं प्रयास करता रहता हूँ। संबंध व्यवस्था और सहस्तित्व को संपूर्णता में समझने के आधार पर हमारा भाव सहज हो पाता है, संबंध व्यवस्था और सहस्तित्व के अर्थ में हो पाता है। हम निरंतर सुखी होते हैं। ये कुल बात है जो कही गई अभ्यास 1 में। इसको अपने को अभ्यास में बनाए रखना है जी। तो आगे भी जो हम लोग डिस्कशन करेंगे उसमें लौट के इसको रेफर तो करेंगे। अभी लेक्चर 10 में जब बात करेंगे, 11 में जब बात करेंगे, फिर से इसको रेफर करेंगे। परंतु इस अभ्यास को हम बनाए रखें तो ये जो पूरा कोर्स है कि मानव को संपूर्णता में समझना, अस्तित्व को संपूर्णता में समझना, उस क्रम में यह अभ्यास अनिवार्य है। तो मानव को समझने क्रम में हमने प्रस्ताव को अध्ययन किया, उस क्रम में हमने मैं का गहनता से अध्ययन किया, अभी और भी करेंगे, और उस क्रम में हमने यह अभ्यास किया ताकि हमारे अंदर संगीत बना रहे, व्यवस्था बनी रहे, हमारी सजगता बनी रहे, उसके साथ फिर हम आगे चलेंगे। तो ये जो कोर्स है ये जैसे हम कोई एकेडमिक कोर्स करते हैं वैसा नहीं है। हमने सूचना ली, शब्द रख लिए, परिभाषा याद कर ली, विश्लेषण कर लिया, प्रश्न जैसे पूछा जाए उसका उत्तर हमें पता है, ऐसा नहीं। ये कोर्स है जिसमें हमको अपने परिमार्जन को देखना है कि मैं क्या स्टेप 7 को अकम्प्लिश कर पा रहा हूँ कि नहीं, स्टेप 6 को अकम्प्लिश कर पा रहा हूँ कि नहीं। तो धीरे धीरे पाएंगे कि जितना जितना ये काम अपने पूरा होगा, शब्दों का भार कम होता जाएगा, उस अर्थ में जीना ज्यादा सुनिश्चित होने लगेगा जी। तो बढ़िया, इसका समय भी हो चला है। आज के अभ्यास के लिए इतना ही रहेगा कि इसको हम अपने आप सुनिश्चित करते रहें जी। सभी से अनुरोध है कि जो नेक्स्ट वीक में अपकमिंग एफडीपीज है उसके रजिस्ट्रेशन की लिंक चैट बॉक्स में अवेलेबल है, तो इस लिंक को हम हमारे बाकी दोस्तों के साथ में शेयर कर सकते हैं जो भी इस वर्कशॉप को ज्वाइन करना चाहते हैं। उसी तरह से हमारे जितने भी वर्कशॉप्स अभी मॉर्निंग सेशंस हो रहे हैं उसकी एडिटेड वीडियोस यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल है, इंग्लिश और उसी तरह से हिंदी में, उसकी लिंक भी चैट बॉक्स में अवेलेबल है। हमारा जो भी पूरा स्टडी मटेरियल है अदर डिटेल्स है वो हमारे वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल है, तो वहाँ से भी हम स्टडी मटेरियल को एक्सेस कर सकते हैं। इसी तरह से ऑलमोस्ट सारे साथियों ने तो व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन किया है कि इस व्हाट्सएप ग्रुप में हमारी डेली अपडेट्स और असाइनमेंट्स एकत्र की जाती है। लेकिन अगर कोई साथी अभी तक अगर नहीं ज्वाइन किया है तो कृपया उसे ज्वाइन करें, वहां से हमें सारी डिटेल्स मिल सकती है। तो मॉर्निंग सत्र में उपस्थित होने के लिए सभी का धन्यवाद। भैया फिर आज के लिए हम रुक सकते हैं जी। भैया रोक लेते हैं, आज के लिए असाइनमेंट है जो सामने लिखा है, हम इसको सुनिश्चित करें अपने आप में, इसको बनाए रखें। सभी को धन्यवाद, सभी को नमस्ते। नमस्ते।